Hello students, today we'll be starting with the last theory lecture of P block that will include the chemical properties of group 18 elements. Chemical properties में पहले तो एक कहानी है कि कैसे पता पड़ा कि xenon compounds बनाता है, और उसके बाद xenon के ही हम compounds पढ़ेंगे, उन्हीं की preparation और कुछ छोटी मोटी reactions है वो देखेंगे. तो start करते हैं हम सबसे पहले chemical properties of group 18 elements में. सबसे पहली क्या चीज़ आएगी, क्या हुआ था, scientists observe तो नहीं, formed a red compound जिसका फॉर्मूला था O2PtF6, जिसमें O2 पे क्या था, +1. क्या ऑब्जर्व किया उसने, ही ऑब्जर्व दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2 प्लस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Xe प्लस. O2 प्लस मतलब O2 की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी O2 से O2 प्लस बनाने के लिए, और ज़ीनॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब ज़ीनॉन से ज़ीनॉन प्लस बनाने के लिए उनके जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम. देयरफॉर जो पहला कंपाउंड बना था, ही फॉर्म्ड अ कंपाउंड, इसी कंपाउंड में O2 की जगह उसने क्या रख दिया, XePtF6. ठीक है, ज़ीनॉन का तो ये कंपाउंड, पहला जो कंपाउंड था वो ये डिस्कवर हुआ था, RnF2 एंड KrF2. ये एक एक कंपाउंड है जो रेडॉन और क्रिप्टन भी बनाते हैं, आर ऑल्सो फॉर्म्ड एंड दे आर ट्रेस्ड बाय रेडियो ट्रेसर टेक्निक. ये तो होगी इसकी पूरी कहानी. अब हम देखते हैं सबसे पहले ज़ीनॉन के कंपाउंड्स में सबसे पहले आएगा ज़ीनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स. अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि तीन कंपाउंड्स बनते हैं इसमें, XeF2, XeF4 एंड XeF6. बस ये तीन कंपाउंड्स बनते हैं. अब आप बोलोगे कि इवन नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स क्यों आ रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि ज़ीनॉन के आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर ऑड नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स आएंगे तो जब वो बॉन्ड बनाएगा और उसके ऊपर जो लोन पेयर बचेंगे उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा जो कि अनस्टेबल कर देगा उसको, तो इसीलिए नहीं बनता है. तो मतलब क्या हो गया कि ये तीन बनेंगे. बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, XeF2, इसमें भी XeF2, इसमें भी XeF2, यहाँ 1F2, 2F2 और 3F2. यहाँ पे Xe एक्सेस में है, इधर यहाँ पे 1:5 वॉल्यूम रेशियो है इनका, और यहाँ पे 1:20 वॉल्यूम रेशियो है बेसिकली. ये क्या बना के दे देगा, XeF2. ये क्या बना के दे देगा, XeF4. ये क्या बना के दे देगा, XeF6. टेम्परेचर्स भी इजी है, बिल्कुल याद करने पड़ेंगे आप लोगों को. इसका जो होता है वो होता है 400 डिग्री सेल्सियस, और ये 1-2 bar प्रेशर पे होता है. इसका बढ़ जाता है टेम्परेचर, हो जाता है 600 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा. इसके अंदर टेम्परेचर तो कम हो जाता है, 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 50-60 bar. तो ये बेसिक कुछ रिएक्शंस है जो ज़ीनॉन फ्लोरीन के कंपाउंड्स है. ये सब क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, दे आर कलरलेस सॉलिड्स एंड इजीली सब्लाइम एट 298 केल्विन. सब्लाइम होना मतलब क्या, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे विदाउट एक्वायरिंग लिक्विड स्टेट, इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं. एक तो ये तरीका हो गया. एक और तरीका है XeF4 से XeF6 बनाने का. ये तो हमने ज़ीनॉन से ज़ीनॉन के फ्लोराइड बनाए, XeF4 से XeF6 कैसे बनता है, O2F2 के साथ रिएक्शन करवाने पे मिल जाएगा. तो ये आपकी थी सारी की सारी ज़ीनॉन के जो कंपाउंड्स है, ज़ीनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स है, उनकी प्रिपरेशन रिएक्शंस, और इसके अंदर ये सारा आपका ये प्रिपरेशन रिएक्शंस आ गई. अब मैं देखता हूँ इसके केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि XeF2, XeF4 और XeF6 ये रिएक्ट करता है PFI के साथ. पहले दो एग्जांपल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, और जो लास्ट वाला एग्जांपल है वो मेटल के साथ. ये ग्रुप 1 का है मेटल है, और ये ग्रुप 15 है. तो ग्रुप 15 नॉन मेटल्स है, तो दे हैव द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट नेगेटिव टुवर्ड्स देमसेल्व्स. तो वो क्या करता है, इसका एक फ्लोरीन खींच लेते हैं अपनी तरफ दोनों ही, मतलब ये क्या बना देगा PF6-, ये भी क्या बना देगा XeF3+, और साथ में आ जाएगा SbF6-. लेकिन चूंकि ये मेटल है तो इसकी टेंडेंसी होती है प्लस लेने की, मतलब F- देने की, तो इसमें उल्टा हो जाता है, क्या बना देगा ये XeF7
माइनस। तो ये इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस थी। अब हम इनके शेप्स देख लेते हैं। XeF2 का शेप क्या होता है, क्या हो गया, दो बॉन्ड पेयर, तीन लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, शेप क्या हो जाएगा आपका, लीनियर, क्योंकि लोन पेयर का नंबर बॉन्ड पेयर से ज्यादा है। XeF4 आप देखेंगे तो चार तो आ गए, आउटरमोस्ट में आठ हो गए, तो पीछे दो लोन पेयर बच जाएंगे, मतलब क्या हो गया इसके अंदर, चार बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp3d2, शेप इसका क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। इसके शेप्स पे पक्का क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर आ गया आपका XeF6, ये हो गया आपका XeF6, और इसके ऊपर लोन पेयर, छह बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, ये थोड़ा रेयर है sp3d3, अगर 7-0 होता तो पेंटागोलन बायपिरामिडल होता शेप, लेकिन इसका अगर लोन पेयर आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये कुछ शेप्स थे, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जाके ज़ीनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स खत्म होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अभी ज़ीनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स। ज़ीनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स एक ही है वैसे तो, XeO3, लेकिन ऑक्सीफ्लोराइड भी बनता है जिसमें ऑक्सीजन भी आया फ्लोरीन भी आया। एक ऑक्सीजन कम करो कितना हो गया, O2। अच्छा, एक ऑक्सीजन को दो फ्लोरीन चाहिएंगे रिप्लेस करने के लिए, बॉन्डिंग के हिसाब से कर दो, एक और कम कर दो, XeOF4, ठीक है। अब ये कैसे बनता है ये मैं बताता हूँ आपको। ये बेसिकली बनता है ज़ीनॉन के फ्लोराइड कंपाउंड से ही है। XeF6 पे रिएक्शन हम करवाते हैं प्लस 2H2O और फिर फाइनली XeF6 प्लस 3H2O। ये जो दोनों रिएक्शन है, दीज टू रिएक्शन आर टर्म्ड एज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ये वाला रिएक्शन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। अब याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका, जितने ऑक्सीजन एटम्स वाटर मॉलिक्यूल्स में है उतने ऑक्सीजन एटम्स अंदर डाल दो, मतलब क्या बन जाएगा ये XeOF4 प्लस 2HF, एकदम सिंपल बैलेंसिंग है। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, दो, क्या बना देगा ये XeO2F2 और प्लस साथ में क्या आ जाएगा आपका 4HF। यहाँ कितने ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन है तीन, तीनों आ जाएंगे, एकदम सिंपल रिएक्शन है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। ये तो हो गया किसका हाइड्रोलिसिस, XeF6 का। XeF4 का अगर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं और XeF2 का अगर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, इनकी रिएक्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। इनकी रिएक्शंस में क्या होता है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ये वाली जो है ना ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ये क्या बना के देती है, ज़ीनॉन पे क्या है प्लस 4 है ना, तो प्लस 4 से ज़ीनॉन 0 पे भी जाता है और प्लस 6 पे भी जाता है, 0 पे भी गया प्लस 6, रिडॉक्स डिसप्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स है। सेम जो एलिमेंट है उसका रिडक्शन भी हुआ और ऑक्सीडेशन भी हुआ। H और F मिलके क्या बना देंगे, HF, और बचा हुआ ऑक्सीजन क्या बना देगा, O2। इसके अंदर और सिंपल है, XeO3 हटा दो ऊपर से, Xe plus HF plus। इस तरीके से याद करोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये तो हो गया ज़ीनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स। अब इनके शेप्स देख लेते हैं। शेप्स में सबसे पहले आएगा आपका XeO3। XeO3 में अगर हम देखें, ये हो गया, क्या मैं बोल सकता हूँ सिर्फ सिंगल बॉन्ड काउंट होते हैं, तीन बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, sp3, शेप क्या आ जाएगा इसका, ट्राइगोनल पिरामिडल, सिंपली पिरामिडल भी बोल सकते हैं इसको। फिर अपन देख लेते हैं नेक्स्ट, ये था XeO3, फिर हम देख लेते हैं XeOF4। XeOF4 में क्या हो जाएगा, ये हो गया, कितने आ गए, सब में लोन पेयर एक ही होता है, इन जो भी तीनों कंपाउंड्स है ज़ीनॉन ऑक्सीजन के, सब में एक लोन पेयर आएगा। इसमें क्या हो गया, पांच बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और शेप इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगा, sp3d2 आ जाएगा इसका, सॉरी sp3d2, शेप क्या आ जाएगा इसका, स्क्वायर पिरामिडल, ये भी पिरामिडल शेप है। नेक्स्ट XeO2F2 देख लेते हैं अपन, इसका भी सिंपल है स्ट्रक्चर, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये लोन पेयर, इसके अंदर क्या हो गया, चार बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर, इसका शेप होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और शेप हो जाएगा इसका सीसो, ठीक है। ये इजी है एकदम, आप याद रखना। एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखना है, XeF6 इन सॉलिड स्टेट, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जिस्ट्स एज XeF5 प्लस एंड F माइनस, ध्यान रखना है ये, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है सॉलिड स्टेट में। XeO3 इज अ कलरलेस एक्सप्लोजिव कंपाउंड, कलरलेस एक्सप्लोजिव होता है, और जो XeOF4 है इज अ कलरलेस वोलेटाइल कंपाउंड, कलरलेस वोलेटाइल कंपाउंड। अब अपन देखते हैं इनके यूजेस। यूजेस में
सबसे पहले क्या आ जाएगा, हीलियम। हीलियम के ही सबसे ज़्यादा यूजेज हैं। क्या क्या यूजेज हैं इसके बताता हूँ मैं। इट इज़ यूज फॉर फिलिंग हॉट एयर बलून्स। क्यों? बिकॉज इट इज़ लाइटर देन एयर। हीलियम इज़ लाइटर देन एयर, इसीलिए क्या करता है वो, हॉट एयर बलून्स फिल करने में यूज़ आता है। और इट इज़ यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, गैस न्यूक्लियर रिएक्टर्स। नेक्स्ट इसका यूज़ होता है, इट इज़ यूज एज अ क्रायोजेनिक एजेंट। क्रायोजेनिक एजेंट क्या होता है? दैट कूल्स बिलो -150 डिग्री सेल्सियस, -150 डिग्री सेल्सियस। यूज आते हैं किसमें ये, MRI में। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। फिर लास्ट इसका यूज आता है कहाँ पे? डाइविंग एपरेटस में, है ना? ये तो पढ़ाई है अपन ने स्कूबा डाइविंग में। मिक्स्ड हीलियम इज मिक्स्ड विद O2 ड्यू टू इट्स लो सल्युबिलिटी इन ब्लड। हीलियम के ब्लड में लो सल्युबिलिटी होने की वजह से उसको क्या किया जाता है, O2 के साथ मिक्स किया जाता है। तो ये तो हो गए हीलियम के यूजेस, मेन यही थे। फिर नेक्स्ट आता है आपका नियॉन। ये बेसिकली चमकने वाली चीज़ों में यूज आता है। मतलब कहाँ पे यूज आएगा ये? फ्लोरोसेंट स्क्रीन्स में यूज आता है और बोटैनिकल गार्डन्स में यूज आता है। बेसिकली दो बड़े यूज हैं इसके, ठीक है। फिर आपका कौन आ जाएगा? आर्गन। आर्गन बेसिकली मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में यूज आता है सबसे ज़्यादा, और ये तो बताइए इसका अबंडेंस सबसे ज़्यादा होता है। फिर आता है आपका क्रिप्टन एंड जिनॉन। ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन्स एंड बल्ब यहाँ पे भी आएगा। इसमें स्पेशल टाइप ऑफ बल्ब बनाने में काम आता है, स्पेशल पर्पस बल्ब्स बनाने में काम आएगा। एक काम और है जिनॉन का, कि जिनॉन का जो फ्लोराइड कंपाउंड है XeF6, इट कैन अटैक ऑन पायरेक्स ग्लास SiO2, और ये क्या बना के दे सकता है आपको, XeOF4 प्लस SiF4। अगर आप वापस इस पर अटैक करवाएंगे किसका, SiO2 का, तो ये और फर्दर रिएक्शन करके XeO2F2 प्लस SiF4 बना के दे सकता है। मतलब इट इज रिएक्टिंग विद ग्लास मटेरियल, तो इसीलिए ग्लास के साथ थोड़ा इसका रिएक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे जाके जो अपना ग्रुप 18 वाला पार्ट है वो खत्म होता है। इन दी नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी दी डिस्कशन, वी विल डू दी डिस्कशन ऑफ दी लास्ट DPB, दैट इज DPB नंबर 7। थैंक यू।